नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो टॉप 10 हमारे एमसीक्यूज होते हैं विद डिटेल के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके प्रस्तावना से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे निकाल के मतलब आपके सामने लेके आया है। तो जो टॉप 10 है उसमें हम देखेंगे आज जो है एमसीक्यूज, मतलब डिटेल के साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है वीडियो मतलब जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, किस देश के द्वारा सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। जैसे कि हमने प्रस्तावना वाला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था, तो आपको अगर याद होगा तो आप यहाँ पे वीडियो को पहले पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप आंसर अपना सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, सभी जो क्वेश्चन है उनको ऐसे ही पॉज कर करके आपको आंसर को सिलेक्ट करना है और बाद में जब हम समझाएंगे यहाँ पे नीचे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आंसर को मिलाना है और नीचे अपना स्कोर लिखना है कमेंट बॉक्स में वीडियो जब एंड हो जाएगा। और आपने जो प्रस्तावना वाला वीडियो है आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे जाएंगे और आई बटन पे जाकर आप जो प्रस्तावना वाला वीडियो मतलब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें पूरा डिटेल के साथ उसे समझाया गया है तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो आपका वो मतलब जो लेक्चर है ये वाला क्वेश्चन वाला ये आसानी से आप सभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्या है इसका राइट आंसर, ये आंसर है इसका अमेरिका, मतलब सबसे पहले अमेरिका के द्वारा संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है और उसी के पश्चात अन्य देशों ने भी प्रस्तावना को जो है संविधान में शामिल किया गया और जिसमें से जो हमारा भारत है वो भी इसमें शामिल है, मतलब भारत में भी जो है प्रस्तावना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और उसे संविधान मतलब भारत जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। तो ये जो पर्सन है हमारे किसके द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। तो देखते हैं इनके बारे में, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू द्वारा और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसको 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। मतलब जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो ये आपको थोड़ा याद करते हुए यहाँ चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में संविधान लागू होने के समय से ही अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ चार दिए हमको, लोकतांत्रिक होता है, समता मतलब समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ दो जो ऐसे है मतलब लोकतांत्रिक और समानता जो है ये संविधान में मतलब जब से प्रस्तावना मतलब संविधान लागू हुआ तब से प्रस्तावना में ये शब्द अवेलेबल थे, पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है वो बाद में ऐड किए गए। कब ऐड किए गए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत इन शब्दों को जोड़ा गया है। तो यहाँ जैसे हम देखें तो 42वां संविधान संशोधन जो है उसे एक प्रकार से क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे चेंजेस हुए थे कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संख्या दे दी गई। और यहाँ हम देखें इसका राइट आंसर क्या होगा, जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है वो नहीं है, तो क्या क्या हमारे आंसर में, लोकतांत्रिक मतलब फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ जो है ओनली 1 एंड 2। तो यहाँ जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, दो तो ये होगा हमारे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तीसरा क्या होगा अखंडता, ये तीनों शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ये किस मामले में दी। तो यहाँ तीन मामले दिए हमको, कौन कौन से, बेरुवाड़ी संघ मामला 1960, केशवानंद भारती 1973 और LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता हमारा कौन सा, केशवानंद भारती मामला 1973। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ इन्होंने डिफाइन कर दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारा क्या, प्रस्तावना, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ बोला गया कि आप कितना भी चेंज कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरा तोड़ मरोड़ दीजिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब, आपने जैसे ये घर बनाए और घर बनाने के बाद आप क्या कर रहे हो, अंदर आप पार्टीशन बना रहे हो कांच के या फिर जो भी प्लाईवुड के, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, कुछ भी आप उसको तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा कर सकते हो, पर आपका जो बाहरी भाग है ये वाला, ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यही संविधान में भी है कि आप संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको चेंज किए बगैर आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये मामला निकल कर आया कहां, केशवानंद भारती मामला 1973 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को कौन सी क्रांति से लिया गया।
तो यहाँ यदि बात करें हम, तो जैसे न्याय जो होते तीन प्रकार के हमने देखे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक क्या होता है, समाज में बिना किसी भेदभाव के, मतलब बिना किसी वर्ग, लिंग भेद, वंश, ये सारी चीजों के बिना क्या करना, सबको समान न्याय प्रदान करना, ये हो गया सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय से मतलब क्या हो गया, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, तो सभी को क्या मिलना चाहिए, यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए अमीरी गरीबी के हिसाब से, तो उनको समान न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक हो गया। राजनीतिक का मतलब कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन, मतलब अलग अलग पद में है, तो जो है राजनीति के पद या नॉर्मल व्यक्ति के अनुसार भी उनको न्याय नहीं, मतलब सबको समान न्याय मिलना चाहिए। तो ये न्याय की जो व्यवस्था तीनों, ये कौन सी क्रांति से ली गई है, तो ये ली गई है रशियन रेवोल्यूशन, मतलब रूसी क्रांति से ली गई है। तो जैसे देखें तो जो है रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917, मतलब 1917 की रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो है तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता आपको पता है फ्रीडम, समानता मतलब इक्वलिटी, और बंधुत्व मतलब भाईचारा। तो इन तीनों जो आदर्श है ये कहाँ से लिया गया है, तो अब यहाँ ये इनको कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस क्रांति से लिया गया है, मतलब फ्रांस रेवोल्यूशन से लिया गया है। तो यहाँ जैसे देखें हम, तो जो तीनों तत्व है, फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई थी 1789 से 1799, इनसे इसे इनहेरिट किया गया है, और लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ये इसके अंतर्गत शामिल है। और प्रस्तावना हर व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, मतलब व्यक्त करने जो अपने विचार है, विश्वास, उसके बाद है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी यहाँ सुरक्षित करती है इनके अंतर्गत। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ इसका, फ्रांस रेवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ हम पहला देखते हैं विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय का अवसर मिलेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत या विधि जो कानून है उसके अंतर्गत। तो ये जो दिया गया है अनुच्छेद नंबर 14, तो ये है हमारा क्या, राइट है, मतलब ये गलत नहीं है। सेकंड क्या बात की जा रही है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध जो है, मतलब जो धर्म, जाति और लिंग है इसके अनुसार क्या है, जो भेदभाव उसको नहीं किया जाएगा, ये जो डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 15, तो ये भी हमारा राइट है। उसके बाद देखते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब लोक नियोजन मतलब जैसे सिविल सर्विसेज की कोई जो नौकरी करना चाह रहा है, तैयारी करना चाह रहा है, तो वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये आर्टिकल नंबर 16 में ये भी राइट है। अब बचा क्या, उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल नंबर 17, ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, मतलब जो छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी, उसके अंतर्गत मतलब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत वो प्रावधान दिया गया है। और उपाधियों का अंत किस में दिया गया है, उपाधियों का अंत दिया गया है आर्टिकल नंबर 18 में। उपाधि क्या होती है, जैसे कि कोई व्यक्ति को पहले क्या होता था, मतलब अंग्रेजों के समय सर की उपाधि मिल जाती थी, लॉर्ड की उपाधि मिल जाती थी, बहुत सारे मतलब बहादुर की उपाधि, सर बहादुर, राय बहादुर, ऐसी उपाधि मिल जाती थी, उनका अंत कहाँ किया गया है, आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना जो को जो है संविधान की का जो है कुंजी नोट किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो है संविधान विशेषज्ञ दिए गए यहाँ पे कुछ, तो जैसे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके द्वारा नहीं कहा गया है, शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर, इनके द्वारा ये कथन कहा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर। तो देखते हैं इसके बारे में, तो कुछ और कथन जैसे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा जो कहा गया है उनके बारे में देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये इनके द्वारा कहा गया था, तो ये भी आपको थोड़ा याद करते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसके द्वारा कहा गया है। उसके बाद देखते हैं सुप्रसिद्ध अंग्रेज जो शास्त्री है, राजनीतिक शास्त्री, राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर, इनके द्वारा कहा गया क्या, जो संविधान की प्रस्तावना है लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर इन्होंने सम्मान दिया है, और प्रस्तावना को इनने क्या कहा है, संविधान का कुंजी नोट कहा है। इसके अलावा हमने क्या देखे थे, एम हिदायतुल्ला, तो इनके द्वारा क्या कहा गया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है ये, और एम हिदायतुल्ला क्या मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी अधिक ज्यादा है, क्योंकि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसने जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लिया, मतलब सार एक तरीके से बोल सकते हैं हम पूरे संविधान का, तो प्रस्तावना जो है पूरे संविधान का कुंजी या सार इसे माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर ये किसमें प्रावधान है इसका, तो आर्टिकल नंबर 326 के अंतर्गत इसको जो है प्रोविजन इसके अंतर्गत रखा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है।
तो यहां जैसे देखें तो 325 में क्या रखा गया है, धर्म जाति लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। मतलब मतदान के लिए सभी धर्म, सभी जाति, लिंग, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, सभी लोग समान माने जाएंगे मतदान के लिए। तो ये आर्टिकल नंबर 325 में इसका वर्णन किया गया है। और लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान हमने देख लिए, अनुच्छेद नंबर 326 के अंतर्गत दी है। और एक और समानता के अंतर्गत एक और चीज क्या आती है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मतलब जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंतर्गत जो है आर्टिकल नंबर 39, उसके अंतर्गत क्या डिफाइन किया गया है, जो महिला और पुरुष होते हैं उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित यहाँ रखा गया है। मतलब ये सभी जो प्रोविजन है इसके अंतर्गत के आर्टिकल नंबर 39 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। अब यहाँ जैसे हम देखते हैं तो पहले तो क्या था, हमारा जो भारत था ब्रिटिश का उपनिवेशिक था, पर जब स्वतंत्र हो गया तो उसके पश्चात जो है ये मतलब 1947 में स्वतंत्र हो गया, उसके पहले ही ये क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। तो कब बना था, ये बना था 1945 के अंतर्गत। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और पसंद आता तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करो। और यदि आपने पिछले जो लेक्चर के हमने टेस्ट सीरीज चालू किए हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी, तो उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक को देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो ढूंढने में आपको आसानी हो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।